नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में बीटीसी डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन तृतीय सेमेस्टर से विषय है विज्ञान, अध्याय है दूसरा, नाम है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। दाब हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरी है, जो एक प्रकार की दाब लगाती है, तो इसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं और इसे वायुदाब भी कहते हैं। जल पंप वैज्ञानिक यंत्र है तथा जल पंप भी दाब द्वारा काम करता है। जल पंप हैंडल को ऊपर उठाने पर पिस्टन नीचे जाता है, पिस्टन का वाल्व खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है तथा वायुदाब के कारण पंप की नली का वाल्व बंद हो जाता है। पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है, पिस्टन के नीचे वायुदाब कम होने के कारण पिस्टन का वाल्व बंद हो जाता है और नली का वाल्व खुल जाता है, फलता स्वरूप जल का बेलन के अंदर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर जाता है, जल का दाब बढ़ने के कारण पिस्टन का वाल्व खुल जाता है, नली का वाल्व बंद हो जाता है और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है, जल दाब के कारण पिस्टन का वाल्व बंद हो जाता है, फलस्वरूप जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय नली का वाल्व खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है। फुटबॉल पंप के बारे में जान लेते हैं। फुटबॉल पंप भी एक वैज्ञानिक यंत्र है तथा यह दाब के कारण कार्य करता है। फुटबॉल पंप द्वारा फुटबॉल में हवा भरते समय ब्लेडर में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कसकर लगा देते हैं। जब पिस्टल को बाहर की ओर खींचते हैं तो चमड़े का वाशर सिकुड़ जाता है और बाहर की वायु वाशर को दबाकर बेलन के अंदर भर जाती है। इस समय गोली रूपी वाल्व नली के ऊपरी मुंह को बंद रखता है। पिस्टन को नीचे दबाने पर क्या होता है? जब पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो चमड़े का वाल्व पंप के अंदर वायु दाब बढ़ने के कारण फैल जाता है तथा बेलन की दीवार से सट जाता है। बेलन के अंदर वायु दाब बढ़ने के कारण नली में गोली अपने स्थान से हट जाती है और वायु ब्लेडर में पहुंच जाती है। हत्थे को कई बार ऊपर नीचे करने से ब्लेडर में वायु भरती जाती है। तो इस प्रकार फुटबॉल पंप कार्य करता है। साइकिल पंप की आकृति कैसी होती है? यह प्रश्न इस प्रकार है। इसमें धातु का खोखला बेलन होता है। इसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखते हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। इस पटरी से पैर से दाब कर पंप को सीधा खड़ा रखते हैं। पिस्टल के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा रहता है। हत्थे में लगी हुई एक छड़ को निचले सिरे पर एक धातु की चकती कसी होती है जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वाशर लगा रहता है। यह वाशर वाल्व का कार्य भी करता है। तो आप पंप के बारे में सोचकर भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि परिभाषा पे लिखे। बस परिभाषा इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार प्रश्न को हल करना है। साइकिल पंप किस प्रकार कार्य करती है इसके बारे में जान ली। इससे पहले फुटबॉल के बारे में जाने थे। फुटबॉल पंप किस प्रकार कार्य करती है? जब पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है तब पिस्टन के नीचे खाली स्थान बढ़ने के फलस्वरूप वायु दाब कम हो जाता है। पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की ओर वायु पर दाब पड़ता है जिसके कारण वाशर के किनारे फैल कर बेलन से चिपक जाता है और दबी हुई वायु रबड़ की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। पंप से दबी हुई वायु वाल्व ट्यूब की सहायता से निकलकर रबड़ नली के द्वारा साइकिल ट्यूब में जाती है।
साइकिल ट्यूब से भरी वायु के इस वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर निकल पाती है। पिस्टन की बार बार नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। उत्प्लावन भी दाब का कारण होता है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन कहते हैं। किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना आयतन विस्थापित होता है। ईंट को पानी में डुबाने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। वह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, इसी कारण ईंट हल्की लगती है। कुएं में पानी खींचते समय पानी से भरे बर्तन को पानी के अंदर तथा वायु में ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल में अंतर का अनुभव किया है। पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर तथा बाहर उठाकर देखें, क्या दोनों स्थिति में आपको बराबर बल लगाना पड़ता है? क्या इस अवलोकन का उत्प्लावन बल की संकल्पना से समझा जा सकता है? घनत्व क्या है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व का सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व को डी द्वारा, द्रव्यमान को एम से तथा आयतन को वी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर एम बटे बी किलोग्राम प्रति घन मीटर। जैसे जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, पारे का घनत्व 13600 किलोमीटर प्रति घन मीटर होता है। यदि हम 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें, तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान 13600 किलोग्राम होगा। साइकिल पंप तथा फुटबॉल पंप में प्रमुख अंतर है, जो इस प्रकार साइकिल पंप में चमड़े तथा वाशर वाल्व का कार्य करता है, जबकि फुटबॉल पंप में नली में पड़ी गोली वाल्व का कार्य करती है। जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों होते हैं? जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायुदाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते हैं। ट्रक में 4 की जगह 6 टायरों का प्रयोग करने का क्या उपयोग है? ट्रक में 4 की जगह 6 टायरों का प्रयोग करने से पीछे के पहिए का संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे उसके द्वारा सड़क के तल पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। लोहे का जलयान पानी पर तैरता है, जबकि लोहे की कील डूब जाती है, कारण बताइए। जलयान का भार जलयान द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होता है, इसीलिए जलयान पानी पर तैरता रहता है। लोहे की कील या टुकड़े का भार इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। धन्यवाद इस ऑडियो आर्टिकल को सुनने के लिए। ऐसे ही ऑडियो आर्टिकल सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।